अगर आप रियल स्टेट इंडस्ट्री से एज अ रियल स्टेट एडवाइजर या एज अ एजेंट और एज अ ब्रोकर काम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड के टॉप 5% एजेंट्स या एडवाइजर्स क्या करते हैं, क्या शेड्यूल होता है उनका, क्या क्वालिटीज़ होती है उनकी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप भी वर्ल्ड के टॉप 5% रियल स्टेट एडवाइजर्स में बन सकते हैं या उस लिस्ट में आपका नाम शामिल हो सकता है, कैसे होगा वो पॉसिबल। हाँ दोस्तों, वर्ल्ड के 1% एडवाइजर्स भी कुछ अलग काम करते हैं, वो भी डिटेल में हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन 5% एडवाइजर्स क्या करते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल स्टेट एक्सपर्ट, रियल स्टेट ट्रेनर एंड कोच, आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो जिसमें बहुत क्लियरली आपको ये पता चल जाएगा कि रियल स्टेट इंडस्ट्री को डोमिनेट करने के लिए एज एन एडवाइजर बहुत अच्छी लाइफ और करियर बनाने के लिए कौन से 5 स्किल्स आपको जरूरी है। और ये जो स्किल्स हम आपको बता रहे हैं ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा 1000 से ज़्यादा एडवाइजर से बात करने के बाद, मेरी 8 साल की PhD रियल स्टेट की रिसर्च और 15 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद जो पॉइंट्स हम तक आए हैं ये वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम आप तक लेकर आए हैं कि क्या ऐसे स्पेसिफिक गुण क्वालिटीज़ उनके अंदर होती है। सो पॉइंट नंबर 1, जो एक स्पेशल स्किल होता है उन एजेंट्स के अंदर, वो है फोकसिंग ऑन रेगुलर लीड जनरेशन। दोस्तों इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट से समझना, क्यों मैं आपको ये पॉइंट बोल रहा हूँ और क्यों ये पॉइंट इतना ज़रूरी है। एज अ रियल स्टेट एडवाइजर, व्हेन यू डोंट हैव अ रेगुलर फ्लो ऑफ लीड्स इन योर बिजनेस, व्हेन यू डोंट फोकस ऑन मार्केटिंग, बिकॉज द प्राइमरी रोल ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट लीड्स। मार्केटिंग का एक सिंपल काम है आपके लिए लीड को जनरेट करना। अगर आपका फोकस रेगुलर लीड जनरेशन पे होगा तो आपकी कैपेसिटी टू निगोशिएट विद क्लाइंट, आपकी कैपेसिटी, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा क्लाइंट के साथ बात करते समय, क्योंकि आपके पास, आपको पता है कि लीड्स बहुत सारी है, आप उस पर फोकस करते हैं, रेगुलर लीड जनरेट करते हैं। जब आपकी कोई डील क्लोज भी होती है तब भी आपका वो प्रोसेस, वो पाइपलाइन चलते रहती है जिसमें आपके पास रेगुलर लीड्स आती रहे, क्योंकि मार्केटिंग और स्पेशली रियल स्टेट के बिजनेस में लीड जनरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पॉइंट नंबर 2, सेकंड टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ अ रिच एंड सक्सेसफुल रियल स्टेट एडवाइजर इज सेल्फ लर्निंग एंड नॉलेज अपग्रेडेशन। सेल्फ लर्निंग क्यों जरूरी है? अगर आपकी लर्निंग खत्म तो आपकी अर्निंग कम होने लगेगी। सेल्फ लर्निंग अगर आप करते हैं, आप अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को स्ट्रांग करते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाते हैं, वो धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करता है ड्यूरिंग डील्स, ड्यूरिंग साइट विजिट, ड्यूरिंग कन्वर्जेशन विद क्लाइंट। देखिए दोस्तों, सिर्फ आप ये सोचेंगे कि बहुत सारी लीड आने से आपकी बिजनेस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक मजबूत घर बनाना है तो उसके पिलर स्ट्रांग होना चाहिए। वैसे ही एक सफल रियल स्टेट एडवाइजर की पहले पर्सनालिटी, इंटरपर्सनल स्किल, ह्यूमन स्किल्स, पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप शो ऑफ कीजिए, आप एक बड़ी गाड़ी से चले जाएंगे, बहुत सारा गोल्ड पहन लेंगे तो आप एक टॉप स्टेट एजेंट नहीं बन सकते। आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका कस्टमर को लिसनिंग स्किल उसके साथ कैसा है, आपके उनके क्वेश्चन के आंसर देने की एबिलिटी कितनी अच्छी है, आपका डोमेन नॉलेज कितना अच्छा है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। जब आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, आपका नॉलेज का लेवल अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। द थर्ड टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ अ रिच एंड सक्सेसफुल एडवाइजर इज लर्निंग रियल स्टेट रिलेटेड स्किल्स। ये क्या चीज़ है दोस्तों? जो मैंने पहले आपको बताया वो आपका डोमेन नॉलेज नहीं था, वो फंक्शनल नॉलेज था, वो पर्सनालिटी से रिलेटेड था, वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड नॉलेज था। लेकिन अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, थर्ड टॉप मोस्ट स्किल, वो है डोमेन रिलेटेड स्किल को पढ़ना। और डोमेन क्या है? आपका रियल स्टेट। सो रियल स्टेट से रिलेटेड कितनी चीज़ों को आप पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, रियल स्टेट से रिलेटेड कितने ऑफिशियल से आप मिलते हैं, उनसे नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं और उस नॉलेज को अपने क्लाइंट तक पहुँचाते हैं। आपका आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड नॉलेज कितना स्ट्रांग है, उसके आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फैसिलिटीज से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, हर वो चीज़ जो व्यक्ति को ज़रूरी होती है एक रियल स्टेट खरीदने से पहले जानना, वो आपका नॉलेज कितना स्ट्रांग है, स्पेशली डोमेन नॉलेज रिलेटेड विथ रियल स्टेट। ये टॉप मोस्ट क्वालिटी है। फोर्थ क्वालिटी इज फोकसिंग ऑन गोल्स एंड टारगेट्स। अगर आप गोल फोकस नहीं है, अगर आप एक लक्ष्य लेकर रियल स्टेट में काम नहीं करते, अगर आप टारगेट पे काम नहीं करते, आप तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए रियल स्टेट से जुड़े हैं, तो आप एक बड़े सफल रियल स्टेट के एडवाइज़र नहीं बन सकते। क्यों? मान लीजिए आपको साल में 4 लाख रुपए की ज़रूरत है और आपने 2-4 डील कर ली, 3-4 लाख रुपए कमा ली और आपको लगता है आपका पूरा साल बहुत अच्छा गुजरने वाला है, और आप कोई लक्ष्य को लेकर, टारगेट को लेकर काम नहीं कर रहे, आपकी कोई पैसिव इनकम बनाने की प्लानिंग नहीं है, आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, आप तो सिर्फ चाहते थे कि आपको इतना है और छोटा सा गोल आपने बनाया और ईश्वर ने आप पे तथास्तु किया और आपका वो गोल सक्सेसफुल हो गया। तो एज अ रियल स्टेट एडवाइज़र आपने 4-5 लाख रुपए कमा भी लिए तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री से इतनी छोटी इनकम आपने कर भी ली तो आप एक सक्सेसफुल एजेंट नहीं है। आप सिर्फ प्रॉब्लम के हिसाब से काम कर रहे थे, आपने कोई गोल सेट नहीं किया था। फिफ्थ
फिफ्थ क्वालिटी ऑफ अ रिच एंड सक्सेसफुल रियल स्टेट एडवाइजर इज मेकिंग टीम्स एंड एम्पावरिंग टीम्स. बहुत ध्यान से सुनना, मेकिंग टीम्स, टीम्स बनाना, टीम्स को रिक्रूट करना और उन्हें एम्पावर करना. टीम बनाने से कुछ नहीं होता जब तक आपके पास उनको इंस्पायर करने की, एम्पावर करने की, रेगुलरली टीम को ट्रेन करने की एबिलिटी नहीं है, तब तक आप एक सक्सेसफुल एडवाइजर नहीं बन सकते. आप अकेले ही काम करते रहेंगे और जो रियल स्टेट इंडस्ट्री में अकेले ही काम करते रहा है, पूरा इतिहास उठा के देखिए, उनकी सफलता कोई बड़ी नहीं हो सकती. सो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि जो पांच क्वालिटीज वर्ल्ड के टॉप 5% रियल स्टेट एडवाइजर्स यूज़ कर रहे हैं या जिनकी वजह से वो ग्रो हुए हैं, जब आप उनको डेप्थ में समझते हैं, आप अगर एक्शन लेते हैं और ये क्वालिटीज़ आप भी सीखते हैं, तो आप भी एक सफल रियल स्टेट एडवाइज़र बन सकते हैं, एक बहुत बड़े एम्पायर का निर्माण कर सकते हैं और कुछ दिनों बाद आप एडवाइज़र से बिल्डर, बिल्डर से बहुत बड़े MNC के मालिक भी बन सकते हैं. ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं हमारे देश में. इंटरव्यू के दौरान हम ऐसे कई लोगों से मिलते हैं, वो कहानियाँ हम धीरे धीरे आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे. तो इस प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस, वैल्यू एडेड वीडियोस आप रियल स्टेट में देखना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए उस टॉपिक के बारे में जिस पे आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए वीडियो लेकर आए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें इस टॉपिक की या इस वीडियो की ज़रूरत है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.